हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर नंबर थर्टी थ्री ऑफ सी के एमसीक्यूज ऑर्डर नंबर थर्टी थ्री बताता है सूट्स बाय इंडीजन पर्सन इसमें काफी सारे रूल्स हैं रूल वन टू एटीन जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने वीडियोस वीडियो, वीडियो में विद ट्रिक्स तो अगर आप इसके एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो इसमें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है ओनली टेन एमसीक्यूज क्यूज है रूल्स से तो कम एमसीक्यूज ही है तो उसको जल्दी से हम लोग कम्प्लीट uh, करते हैं तो so, सबसे पहला क्वेश्चन है अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर नंबर थर्टी थ्री रूल वन ऑफ सीपीसी इफ ही इज नॉट परसेज ऑफ रूल नंबर वन में बताया गया है कि इंडिजेंट पर्सन कौन है ठीक है तो uh, सबसे पहले इसका ऑप्शन है सफिशियंट मीन्स टू पे द फी पेबल ऑन द द्लेंटिव उसके पास सफिशियंट मीन्स नहीं है एनी मीन्स टू पे द फी पेबल ऑन द प्लेन्टिव या फिर सफिशियंट मीन्स फॉर हिज लाइवलीहुड या फिर नन ऑफ द अबव तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है तो इसमें क्या है सफिशियंट मीन्स टू पे द फी पेबल ऑन द द्लेंट ठीक है उसके पास क्या सफिशियंट मीन्स नहीं है ठीक है सफिशियंट एस एम यही याद रखना है किस चीज के लिए प्लेन के लिए प्लेन के लिए उसको देने के पास पैसे नहीं है जरूरी नहीं है कि उसके पास लाइवलीहुड का पैसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदा है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी पी इंडीजेंट कैन फाइल अ सूट ठीक है कौन से प्रोविजन में फाइल कर सकता है तो ये वही है ऑर्डर थर्टी थ्री रूल वन में वो फाइल कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कनेक्शन विद अ सूट बाय एन इंडिजन पर्सन द सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट अब क्या है सूट कौन से डेट में इंस्टीट्यूट किया जाता है वेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू सुस पॉपर इज मेड ओके वेन सच एप्लीकेशन इज एडमिटेड या फिर वेन सच एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड अब इसमें क्वेश्चन क्या है इंडिजन पर्सन जो है डीम्ड कौन से दिन डीम किया जाता है कि हाँ ठीक है उसने जो है सूट कर दिया है फाइल तो ये वही दिन है जिस दिन वो एप्लीकेशन मेक करता है जैसे आप प्लेंट मेक करते हो वैसे ही एप्लीकेशन मेक करते हो तो ये वही दिन है क्यों क्योंकि उस दिन आप सूट करते हो प्लस आप एप्लीकेशन साथ में डालते हो नेक्स्ट इसके बाद है वेर एन इंडिजन पर्सन सक्सीड द कोर्ट फी शैल वे रिकवर्ड अगर इंडिजन पर्सन जो है वो सक्सीड हो जाता है तो कोर्ट सॉरी uh, वो जो कोर्ट फी है शैल वे रिकवर्ड कौन रिकवर uh, कैसे रिकवर होगा बाई द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है बाई द स्टेट गवर्नमेंट इट शैल बी रिकवर्ड नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज रिजेक्टेड अगर परमिशन टू सू एज पॉपर क्या है रिजेक्ट हो जाती है द सूट इज डीम टू हैिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे ठीक है अब सूट कौन से दिन जो है वो एडमिट होगा ऑन द डेट ऑन विच द परमिशन टू सू एज इज रिफ्यूज रिफ्यूजल हुआ उस दिन ऑन द डेट ऑन विच द कोर्ट फी इज पेड पेड है डेट ऑन विच एप्लीकेशन फॉर परमिशन टूपर वॉज प्रेजेंटेड यही है की ऑन द डेट ऑन विच एप्लीकेशन अब जरूरी नहीं की तुम्हारा रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो क्या हो अब तुम्हारा अगर बाद में रिजेक्ट हो गया तो तुम फी पे करके आगे प्रोसीड करो यही माना जाएगा की जिस दिन तुमने एप्लीकेशन डाली थी उसी दिन तुमने सूट कर दिया था बस क्या है आप तुम्हे पेमेंट मारने है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंडर विच सेक्शन ऑर्डर ऑफ द सी पी प्रोविजन इज मेड टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस क्या है ऑर्डर नंबर थर्टी थ्री के लास्ट रूल यानी कि रूल एटीन में है ठीक है रूल में डिफेंडेंट से रिलेटेड देखो रूल सिक्सटीन तक ना कंप्लीट हो गया था प्लेंटिव से रिलेटेड रूल सिक्सटीन तक प्लेंटिव तक कंप्लीट हो गया था रूल सेवनटीन जो है वो डिफेंडेंट से रिलेटेड रूल एटीन जो है वो फ्री लीगल एड से रिलेटेड है तो क्या है इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक है रूल एटीन ऑर्डर ऑर्डर रूल नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफ इन द सीबीसी तो ये तो हमने हेडिंग में पढ़ लिया तो ऑर्डर नंबर थर्टी थ्री में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन ठीक है किस चीज की रिजेक्शन एप्लीकेशन की रिजेक्शन फॉर परमिशन टू एज प्रॉपर क्या है परमिशन मांग रहा है इसमें परमिशन मांग रहे टू सुस्ट पॉपर ठीक है ये क्या करता है बार ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन ओके ये तो है ही आई थिंक यही इसका सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं डज नॉट बार ऐसा तो कुछ भी नहीं है फिर क्या डज नॉट बार ये भी नहीं है तो आई थिंक आंसर इसका जो है वन ही है वो क्या करता है बार करता है एप्लीकेशन ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इसी कॉज ऑफ एक्शन पे आप नहीं कर सकते हो जस्ट जुटिकाटा वाली चीज भी कुछ होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट ऑफ इंडीजन पर्सन हेज बीन प्रोवाइडेड अंडर तो ये क्या है यह हमें पता ही है कि ऑर्डर नंबर थर्टी थ्री में प्रोवाइड किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कनेक्शन विद बाई एन इंडिजन पर्सन दूट इज डीम टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट अब देखो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो इसको एकदम रट लेना है एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज पॉपर इज मेड ठीक है एप्लीकेशन जिस दिन बनी थी उसी दिन सूट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सीपीसी प्रोविजन रिगार्डिंग इंडिजनस पर्सन तो कौन सा ऑर्डर है ऑर्डर नंबर थर्टी थ्री ठीक है अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन वट डज पॉपर मीन अब पॉपर का मतलब क्या होता है तो पॉपर का मतलब वही होता है कि पॉपर का मतलब होता है क्या थर्ड पार्टी होता है नहीं थर्ड पार्टी नहीं होता है पब्लिक सर्वेंट होता है नहीं पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है इंडीजेंट पर्सन होता है हाँ सूट बाई इंडीजेंट पर्सन या फिर पॉपर सूट यही बोलते हैं तो इसका आंसर है सी तो इसी के साथ हमारे जो है एम सी क्यूज खत्म होते हैं और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और एन और मेल मी ई मेल मी ठीक है आपको जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम हैंडल है लॉर्ड ट्रिक्स ए पीजे ए पीजे फॉर ए स्पीसीएस जे ओके लॉर्ड ट्रिक्स ए पी जे तो आपको वहां पे कुछ वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी वो एसेज इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं है वो बस प्रमोशन के लिए तो इसी के साथ हम चलते हैं अगर आपको ये वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिकॉज दैट विल हेल्प मी अ लॉट एंड फॉर लाइक कंटिन्यूइंग दिस थिंग ओके ऑल्सो दिस इज हेल्पिंग मी टू थैंक यू